नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की 8 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम, जिस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। आज के दिन हम बात करेंगे छोटे सरकार यानी कि बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह की, जिनकी अब विधायकी अब जा चुकी है क्योंकि लगातार कई मामलों में दोषी पाए गए। इनके घर में AK-47 के साथ ही साथ कई ऐसे दस्तावेज भी मिले और कई ऐसे हथियार मिले जिसके बाद ये लगातार सवालों में घिरते चले गए। आज हम बात करेंगे बूस्टर डोज को लेकर भी। जिस तरह से हम बात करें आंकड़ों की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसा देश है जहां पर संख्या कहीं ज्यादा है, वहां पर उत्सुकता लोगों में कहीं ज्यादा है बूस्टर डोज लगवाने की, लेकिन भारत में आंकड़ा कम दिखाई दे रहा था। इसी को लेकर आज एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब वयस्क लोगों को आने वाले 75 दिनों तक बूस्टर डोज अब फ्री में लगाई जाएगी। निदा, बिल्कुल, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आज काशी और मथुरा के लिहाज से क्यों है दिन खास, क्योंकि आज इस पूरे मामले में अहम सुनवाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर अहम सुनवाई जो है वो होनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे विवादों की पाठशाला की, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर एक पाठशाला अचानक क्यों सुर्खियों में आ गई है और क्यों उस पाठशाला के सिलेबस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम बातें तो होंगी, लेकिन इन बातों के साथ साथ और भी खबरें जो हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि 60% तक वोट का समर्थन जो है अलग अलग पार्टियों से द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है, कितनी मजबूत और ज्यादा कैंडिडेट हो रही हैं, ये पूरी जानकारी, ये पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान का आखिर खालिस्तान प्रेम क्यों जाग गया, ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिस पर अब मच रहा है बवाल, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव, यानी कि एक घंटे तक 8 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और इन खबरों को सिलसिलेवार तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों में महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो है क्या। सागर, आगे तो बिल्कुल 1 से 2 बजे तक यानी कि ताबड़तोड़ खबरों का पिटारा लेकर न्यूज इंडिया आता है आप तक, और वो सभी 8 खबरें बारीकी से विस्तार से आप तक हम पहुंचाते हैं तस्वीरों के माध्यम से, आंकड़ों के जरिए और तथ्यों के साथ। निदा, बिल्कुल, तो जिस तरीके से अभी तक आपको 6 बड़ी खबरें हमने दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि अगले 1 घंटे हम इसी पर बने रहने वाले हैं, और आइए अब जल्दी से आपको हम समझा देते हैं कि आखिर वो 6 बड़ी खबरें जो है कौन कौन सी हैं। ये देखिए, पीछे आप देखेंगे बिल्कुल सीधे न्यूज रूम से हम बात करेंगे अगले 1 घंटे इन्हीं खबरों की। तो देखिए 6 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तस्वीरों के जरिए, 8 विंडो के जरिए आपको ये छोटी सी समझाने की कोशिश कि आखिर वो कौन कौन सी खबरें हैं जो अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे। छोटे सरकार की गई विधायकी, जी हाँ, अब ये दरअसल जो पूरा मसला है वो सागर कहा ये जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जेल में रहकर चुनाव लड़ते हैं, टिकट पा जाते हैं, जीत जाते हैं, और अब अचानक से उनकी विधायकी समाप्त कर दी जा रही है। मुझे लगता है काफी है, पहले मजबूरी और अब जरूरी। अब जरूरी, बिल्कुल, बहुत सही बात ये आपने बोली कि उस वक्त मजबूरी थी क्योंकि सदन में हमें आंकड़ा अपना बढ़ाना था, लेकिन अब जरूरत है क्योंकि विपक्ष कोई सवाल खड़े ना कर दे। तो देखिए, बात करेंगे बूस्टर डोज का, मुफ्त तोहफा जिसका इंतजार था, क्योंकि बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों में वो उत्सुकता दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब आजादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा है और इसी के उपलक्ष में बूस्टर डोज अब मुफ्त की गई और आने वाले 75 दिनों तक इसका फायदा मिलेगा 18 साल से ऊपर के नागरिकों को। बिल्कुल, इसके अलावा अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गिरफ्तार हुआ है जहरीला गौहर, और ये गौहर वही है जिसने सर तन से जुदा का नारा लगाया था, और अब आकर के क्योंकि ये लगातार फरार बताया जा रहा था, और सिर्फ फरार ही नहीं था बल्कि अपनी वेशभूषा सब कुछ बदल लिया था इसने, अपना हुलिया बदला, लेकिन फिर भी पुलिस की आंखों में धूल नहीं झोंक पाया और फिलहाल अब गिरफ्त में आ चुका है जहरीला गौहर। बिल्कुल, देखिए हामिद के बहाने कांग्रेस पर हमला, जिस तरह से जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना बीजेपी का कि यहां पर कांग्रेस के जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे इन्होंने जानकारियों को छुपाया और इन्होंने देश के साथ झूठ बोला, इस पर भी बात हम करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे काशी और मथुरा पर अहम सुनवाई में अभी तक का क्या अपडेट है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर लगातार बवाल जो है वो मचा हुआ, लेकिन मामला कोर्ट में है, लिहाजा काशी और मथुरा पर आज अहम सुनवाई होनी है और इस अहम सुनवाई से जुड़ी पल पल की खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। विवादों की पाठशाला की जिक्र भी हम करेंगे, जिस तरह से राजस्थान का एक ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चों को कक्षा 2 में पढ़ाया जा रहा है कि आप अम्मू बोलिए, अम्मी बोलिए, और यहाँ पर उर्दू शब्दों का उन्हें प्रयोग करने के लिए बताया जा रहा है, बजरंग दल ने इस पर आपत्ति जताई और अब सियासत भी अब गरमाने लगी है। बिल्कुल, सियासत का जिक्र आपने किया, तो सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि हम आपको बताएंगे कि कैसे सिमरनजीत का खालिस्तानी प्रेम जो है वो जग जाहिर हुआ है, क्योंकि एक बार वो फिर से खालिस्तानी राज कहने की बात कह रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय, जिस तरह से जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तमाम ऐसी पार्टियां जो अब द्रौपदी मुर्मू के साथ आ खड़ी है,
जेएमएम की बात हम करें जिन्होंने समर्थन दिया, फिर उसके बाद बीजेडी की हम बात करें, कई ऐसे विपक्ष के लोग भी जो अब द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े हैं, कहा यह भी जा रहा है कि 60% से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने समझी कि कौन कौन सी वो बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर अगले एक घंटे तक यानी 2 बजे तक हम पूरा विचार विमर्श करेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर जाएंगे, मेहमान भी जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि सियासतदानों से ही सवाल जवाब किए जा सके। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर लगातार चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता भी मौजूद है, उनके पास भी हम जाएंगे तो पूरी खबर विस्तार से आप तक हम पहुंचाएंगे। नीतू, बिल्कुल, तो ये तमाम खबरें तो होंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अभी इस वक्त की खबर मिल रही है वो ये है कि अनंत सिंह की विधायिका जो है, विधायक जो है वो चले गए हैं, और कुल मिलाकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है। कैसे ये बड़ा झटका लगा, ये नंबर गेम कैसे चेंज हो चुका है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है अनंत सिंह की विधायिका चली गई है और ये सदस्यता रद्द कर दी गई है, और ऐसे में जो 80 विधायक थे तेजस्वी यादव के पास अब वो 79 विधायक हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीधे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरजेडी के बाहुबली हैं अनंत सिंह, जिनकी विधायिका खत्म हो गई है, विधानसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो गई। ऐसे में जब ये सदस्यता रद्द कर दी गई है तो उसके बाद अब आरजेडी को कितना बड़ा झटका लग रहा है ये भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति देखिए कि कहा जा सकता है आरजेडी के लिए ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार न्यूज इंडिया आपको बता रहा है कि अब वहां पर उपचुनाव होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आए सीधा रुख करते हैं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाने के बाद सदस्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन वो उस वक्त भी जेल में थे जब उन्हें टिकट हुआ, वो उस वक्त भी जेल में थे जब उन्होंने जीत हासिल की, वो उस वक्त भी जेल में थे जब उन्हें सदस्यता मिली और सदस्यता के हिसाब से आरजेडी का आंकड़ा बढ़ा। अब सवाल ये है कि क्या उस वक्त मजबूरी थी और अब जो है ये जरूरी है ऐसा करना। आप तक आवाज पहुंच रही है, किन से सवाल है? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, किन से सवाल है? जेडीयू कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, मार्गदर्शन में देश के सभी राज्यों में एमपी एमएलए कोर्ट की व्यवस्था की गई, और उसी व्यवस्था के तहत सभी एमपी एमएलए पर जो मुकदमा है उस मुकदमा की सुनवाई के तहत जो सजाएं होती है उस सजा के बाद उनकी सदस्यता जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में जो व्यवस्था हुई है उसके बाद की कहानी है। अब उसी व्यवस्था के तहत इस केस में इनका सजा हुआ है और इनकी विधायक की गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देश के कई राज्यों में कई माननीय विधायकों का, सांसदों का इस तरह का मामला सामने आया है और उनकी सदस्यता गई है, और सदस्यता जाने के बाद अब नए सिरे से चुनाव होगा। चुनाव में सभी दल के लोग साथ आएंगे और देखेंगे। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सजा मिलने के बाद विधायकी जो है वो चली गई है, और कौन है अनंत सिंह ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तो दरअसल बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, बचपन से ही आपराधिक पृष्ठभूमि जो है वो इनकी रही है अनंत सिंह की, और बाहुबली के नाम से ये जाने जाते हैं। इनकी शख्सियत बाहुबली के किरदार को निभाती भी है। आरजेडी की बाहुबली विधायक की फिलहाल सदस्यता खत्म हो गई। 1 जुलाई 1961 को पटना में इनका जन्म हुआ था। समझ लीजिए कि आखिर कौन है अनंत सिंह, क्योंकि इनका जिक्र हो रहा है तो इनके पीछे बैकग्राउंड को समझना भी बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये कि 9 साल की उम्र में पहली बार जेल का मुंह इन्होंने देख लेता, पहली बार ये जेल चले गए थे महज 9 साल की उम्र में। और दरअसल उस वक्त जो गिरफ्तारी हुई थी, हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, हत्या के मामले के आरोप जो थे वो सिद्ध हुए थे, दोषी करार ये दिए गए थे, उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। बता दें आपको कि लोगों के बीच छोटे सरकार के नाम से भी मशहूर है अनंत सिंह। तो सहयोगी संजीव रावी पटना से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजीव, अनंत सिंह ये नाम ही देखिए काफी है सियासत में, जिस तरह से इनका दबदबा अपने इलाके में रहा, जेल में रहकर भी ये चुनाव जीत गए, लेकिन क्या ये माना जाए कि इसके पीछे आरजेडी की भी कोई चाल हो सकती है? क्योंकि हर बार देखिए बिहार के चुनाव में हमने जिक्र किया है
कि कौन सी पार्टी कितने अपराधियों को संरक्षण देकर चुनावी मैदान में उतार रही है। संजीव, सबसे पहले तो जानने की अनंत सिंह वो अनंत सिंह है जो सरकार के नाम से 90 हफ्ते से एक कह सकते हैं कि बिहार को उन्होंने राज किया, जब उन्हें नीतीश कुमार के साथ थे और जब उनके वो इनका क्षेत्र और मैं बता दू जे डी यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोकसभा के एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ राजनीतिक लड़ाई है। जे डी यू और आगे और पीएनपी के तीन ऐसे बड़े दल हैं जहाँ हर जगह कहते हैं भारत की आपने बात कही है जाहिर तौर पर एक ही मुख्य क्षेत्र के मामले में अनंत एमएलएमसी कोर्ट से उन्हें 10 साल सजा दी गई है और उन्हें बिहार विधानसभा से अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो देखिए समीकरण को समझिए, अगर राजनीतिक पंडित से इसको देखते हैं तो अनंत सिंह की पत्नी जो है नीतम के अब हो सकता है उनको उपचुनाव में बात किया जाए। लेकिन संदीप, क्या अभी कोई पॉलिटिकल रिएक्शन आया बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से? पूरे मसले पर न्यायिक प्रक्रिया उसके साथ उनकी जो सदस्यता को रद्द किया और ये नियमावली जो है कि दो साल से अगर कोई कन्विक्टेड हो गए दोषी करार हो गए तो हालांकि का रास्ता हुआ है हाईकोर्ट के दरवाजे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। तो अब एक रास्ता साफ हो गया है पर चुनाव अगर होता है तो सिर्फ ट्रेन चलता आया है नेता अपने परिवार को खड़ा करने वैसे भी अनंत सिंह एक उदाहरण दे है, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, प्रभात सिंह को देख लीजिए, सूरजधान सिंह को देख लीजिए, जो भी एक बार को करार हो गए हैं वो कन्विक्टेड हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग चुनाव खड़े होते हैं। हालांकि सबसे दिलचस्प ये है कि जिस 25 सीट को लेकर विपक्ष में एक बड़ा विपक्ष के तौर पर आगे टिक रहा था इसकी एक संख्या खत्म होने के बाद 79 सीट पर आगे की है, तो ये बहुत दिलचस्प होगा कि आरजेडी चुनाव में क्या इनकी पत्नी को टिकट देती है, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी लोकसभा चुनाव भी कर चुकी है और वो हार गई थी। तो अब इस बार देखना होगा कि विधानसभा चुनाव होता है उसके आज अनंत सिंह पत्नी को टिकट देते हैं या कोई और उम्मीदवार खड़ा होता है, वही जेडीयू ठीक है संजीव, रिएक्शन का इंतजार है, प्रतिक्रियाओं का इंतजार है कि अब कौन जब पार्टी सामने आएगी बीजेपी की हो आरजेडी की हो तो वो इस पे क्या रिएक्शन देती है।